हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका टीम एसपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। हम फिर से हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और वीडियो लेकर के। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं व्हाट्सएप के एक नए फीचर के बारे में, जिसके थ्रू आप अपने चैनल की ओनरशिप किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये आप किस तरीके से कर पाएंगे इसको हम जानेंगे आगे वीडियो में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जाके जुड़ जाइए, वहीं से आप हमारा डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर पाएंगे। यदि आपने अभी तक साथी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारे चैनल से जा कर के साथी ऐप का लाभ भी उठा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने चैनल की ओनरशिप किसी अन्य पर्सन को ट्रांसफ़र। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पे आ जाना है और उसके बाद उस चैनल में आ जाना है जिसकी ओनरशिप आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी और को। जैसे मैं आ चुका हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे मोर ऑप्शन में जाऊँगा। मोर ऑप्शन में जाने के बाद मुझे चले जाना होगा चैनल इन्फो में। आपको भी चैनल इन्फो में जाना है। उसके बाद हमें यहाँ कुछ ऑप्शन में ठीक है, चैनल के फॉलोअर्स कितने हैं सारी जानकारी यहाँ पे हमें मिल जाती है। शेयर बटन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह भी है जो भी है, ठीक है। यहाँ पे चैनल सेटिंग्स भी मिल जाती है, लेकिन हमें इसमें नहीं जाना है। हम नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ पे हमें चैनल अलर्ट्स भी मिल जाते हैं। यदि हमने कोई रूल रेगुलेशन का उल्लंघन किया होगा व्हाट्सएप का, तो उसका अलर्ट हमें यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ से हम फॉलोअर्स सर्च कर सकते हैं। आपको पता ही है कि जो फॉलोअर्स हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में नहीं होते वो हमें नहीं दिखाई दिए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें जिसको भी अपनी ओनरशिप ट्रांसफर करनी है उसके नंबर पे हमें भेजना होगा, ठीक है। ठीक है, तो जैसे मुझे इस नंबर को अपनी ओनरशिप ट्रांसफर करनी है, मेरा दूसरा नंबर है, तो मैं इसको इस नंबर पे टैप करूँगा। यहाँ पे मेरे सामने तीन ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। मैसेज, व्यू प्रोफेशनल नंबर और ट्रांसफर ओनरशिप, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा ट्रांसफर ओनरशिप पे, ठीक है। यहाँ पे नीचे डिसमिस एज एडमिन का ऑप्शन भी आता है। अगर आप इसे एडमिन की पोस्ट से डिसमिस करना चाहते हैं अपने किसी नंबर को, तो यहाँ पर आकर आप इस ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। तो मैं ट्रांसफ़र ओनरशिप पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे व्हाट्सएप कुछ चीज़ें बता रहा है कि अगर मैं अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा। तो आइए पढ़ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये पूछ रहा है क्या आप अपनी ओनरशिप को इस नंबर को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ठीक है। आप एडमिन्स को इनवाइट भी नहीं कर पाएंगे और डिसमिस भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप चैनल भी डिलीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप एडमिन तो रिमेन रहेंगे, लेकिन अपने आप को मतलब आप चैनल के एडमिन रिमेन रहेंगे और अपने आप को डिसमिस भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एडमिन जो है चैनल की प्रोफाइल और सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने आप को एडमिन पद से भी हटा देना चाहते हैं, मतलब संचालक के पद से भी अगर आप अपने आप को हटाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अगर आप अपनी ओनरशिप को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अपना कंट्री कोड डालना है। यू नीड टू एंटर योर कंट्री कोड विद योर मोबाइल नंबर, ओके। मीन्स आपको जो अपना मोबाइल नंबर है वो अपनी कंट्री कोड के साथ डालना है, ओके। और उसके बाद कैंसिल और ट्रांसफ़र का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे ही आप ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे, आपके चैनल की ओनरशिप उस बंदे के पास चले जाएगी जिसको आप ये ट्रांसफ़र करना चाहते थे, और आप सिर्फ एक एडमिन रह जाएंगे अगर आपने वो डायलॉग बॉक्स चेक नहीं किया हुआ होगा तो, ठीक है। और जो भी ओनरशिप है वो जिस भी पर्सन को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो उसके पास चली जाएगी। एक तरीके से आपके चैनल का फुल कंट्रोल उस पर्सन के पास चले जाएगा, आपके पास सिर्फ एडमिन पावर्स रहेंगी। तो इस तरीके से आप जो है अपने चैनल की ओनरशिप को किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये फीचर अभी बीटा में है। अगर आपके पास बीटा नहीं है, आप नॉर्मल व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो शायद ये अभी आपके पास आया नहीं होगा, लेकिन जल्द ही आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।